mrit gyolmam. Ó, á, na, 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 jó dirgamaja, mrit gyolmam. Ó, á, na, 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 jó dirgamaja, mrit gyolmam. Hari, 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 Hey guys, जैसा कि आप लोगों को पता है आज करवा चौथ का त्यौहार है, तो ये हमारी बड़ी मामी है जो कि करवा चौथ का व्रत रखी हैं। तो ये अभी पूजन का पूरा स्टार्टअप हो गया है, देन पूजा कैसे होगा मैं सभी चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को। बाल तो है नहीं, मैं जा रहा था इसे बाल सही करने, बट छोड़िए, आइए तब दिखाते हैं पूजा कैसे होता है करवा चौथ का। जिनको नहीं पता है वो वीडियो पूरा फुल वॉच करेंगे तभी पता चलेगा किस चीज़ का त्यौहार है और कैसे होता है। और इधर थोड़ा सा चलिए छुड़े जाने दीजिए। सो ये गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं पूजा का तैयारी हो गया है और ऐसे ही आप लोग के घर पे तैयारी हो रहा होगा। और आइए कुछ विधि जान लेते हैं त्यौहार किस चीज़ का है। तो अभी मामी बताएंगे किस चीज़ का त्यौहार है, तो मामी बताइए किस चीज़ का त्यौहार है। हेलो गाइस, ये मतलब पति का त्यौहार है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए सभी औरतें करती हैं, शादीशुदा औरतें और जिनका सगाई हो जाता है वो भी करती हैं। कार्तिक महीने में मतलब चतुर्थी को पाया जाता है बुधवार को, आज पाया है। ये गणेश जी का पूजा इसमें होता है जो पार्वती माता की होता है, करवा चौथ माता का भी होता है और हर देश में मतलब हर तरह के होता है। इसमें करवा मतलब कहीं टोइया भी बोलती है इसे, हर जगह मतलब हर इसमें गणेश भगवान का पूजा होता है। और इसमें आटे का मतलब दीपक भी जलाते हैं अन्नपूर्णा के लिए, आटे का मतलब दीपक भी जलाते हैं हल्दी डाल के, जिससे घर में अन्नपूर्णा माता भी आती हैं, नए अन्न का मतलब नए घर में अन्न आता है, चावल जैसे होता है इसे मतलब करवा चिंगा फारा बनता है। ठीक है, अरे 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 hari 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 hari। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया अर्घ दे ले। बहन अपने भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब सो ए गाइस, अभी चांद देखिए वहाँ पर थोड़ा सा उग रहा है और पूरे गांव में हल्ला हो रहा है कि चांद उग रहा है, चांद उग रहा है। अभी देन आगे का प्रोसेस पूजा वाला होगा, ये देख सकते हैं धीरे धीरे निकलना है। और टाइम मैं बताऊं, टाइम जो है कि ये निकलें समझिए 8:08 पर। वैसे तो मैं फ़ोन पे देखा था कि 8:15 पर, लेकिन इसलिए सही टाइम है, मतलब पहले ही उग गए। तो आप लोग चांद देख लीजिए पहला नज़र मेरे फ़ोन से। सो ये गाइस, अभी ये देख सकते हैं पूजा का पूरा प्रोसेस और यहाँ पर देखिए चांद है और यहाँ पर पूजन हो रहा है। ये बीच में ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको थोड़ा हटा दूँ, इसको हटा देना चाहिए था दिन में, लेकिन जाने दीजिए। ये देखिए कुछ मेरे घर पर बच्चे बहुत हैं तो ये सब आवाज़ करते रहते हैं। चांद आज पता नहीं क्यों मुझे हाफ ही दिख रहा है, फुल नहीं, बट ये देख लीजिए पूजा का पूरा विधि विधान ऐसे ही होता है पूजा। और मैं सोए गाइस, ये देखिए
इस तरीके से पूजा होता है। और यहाँ पर चंडली के अंदर से देखा जा रहा है, ये देख लीजिए, और वहाँ पर चांद। तो ऐसे ही पूजा होता, आप लोग देख लीजिए गाइस, ये पूजा हो गया। ये जल दिया जा रहा है चांद मामा को। सूरज भगवान। सोए गाइस, अभी पानी पिलाया जाएगा। गाइस पहले लड्डू खिलाया जाएगा, उसके बाद पानी पिलाया जाएगा। बट्टी टू अपना लड्डू खाने के लिए जा रहा है। ये अब व्रत टूट गया है और पूजा सफल समाप्त। जय भगवान जी, जय चंदा मामा, आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा, आशीर्वाद हो गया।